नमस्कार, जेके न्यूज़ पॉइंट के फेसबुक लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि दो नए पॉजिटिव केसेस जो हैं जम्मू से सामने आ रहे हैं। तो इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल हेड विनोद कुमार जी हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो विनोद जी, आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह अगर हम बात करें तो कल जम्मू से एक केस सामने आया था अशोकनगर से, वहीं अगर आज बात करें तो शाम तक तो कोई केस सामने नहीं है, वहीं अगर आप बात करें तो अब जो है दो पॉजिटिव केसेस जो हैं। हाँ बिल्कुल जसलीन, आपने ठीक कहा, लेकिन ये है कि इनकी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई जी। है। और ये बात है कि दो केसेस आए हैं, कहा जाता है कि एक सिटी के इंटीरियर में और दूसरा सिटीज के बाहर है, सिटी के बाहर है, वो मीरा साहब में है, एक बख्शीनगर कहते हैं, बख्शीनगर गुरा बख्शीनगर जिसको बोलते हैं, लेकिन इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है। तो हमें लगता है कि इतनी जल्दी में हमें कुछ नहीं कहना चाहिए, लेकिन दो केसेस ये कहते हैं, सोर्सेज बता रहे हैं कि दो केसेस पॉजिटिव आए हैं। बिल्कुल विनोद जी, अगर हम बात करें लगातार जिस तरह जम्मू पहले जो है COVID-19 फ्री हो चुका था, पर उसके बाद बात करें, क्योंकि लोगों ने इस चीज़ को लाइटली भी लिया कि क्यों लगातार अगर बात करें कि अब जम्मू जो है बिल्कुल COVID-19 फ्री हो चुका है, पर उसके बाद फिर से जम्मू को रेड जोन में डाला गया। और वहीं बात करें, जैसे ही रेड जोन में डाला उसके बाद जो है सिलसिला फिर से शुरू हो गया पॉजिटिव केसेस का आना। हाँ जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा जसली। ऐसा है कि हम पहले भी ये कह रहे थे, मैं जी खुद ये बार बार कहता हूँ कि गुड़ी गुड़ी माहौल में नहीं रहना है, बिल्कुल क्योंकि ये वायरस है, वायरस कभी भी कहाँ भी अटैक कर सकते हैं, इसलिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। अब इनकी ट्रेवल हिस्ट्री जब पता चलेगी, पता नहीं कहाँ कहाँ से किस किस को मिलके आएंगे, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें संयम बरतना चाहिए। मैं आवाम से ये अपील करूंगा, अपने लोगों से अपील करूंगा, अपने शहरी से अपील करूंगा कि वो अपने आप को थोड़ा सा संयम बरतें, अपने घर में रहें। और दूसरी बड़ी बात यह कि हम तबलीगी जमात को कुछ कहते रहे, लेकिन अपने आप में भी हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हम ट्रेवल हिस्ट्री हाइड करते हैं, 14 दिन के लिए हमें रहने के लिए कोई परहेज होता है, तो ये गलत बात है। आप जिंदगी देश के लिए दुश्मन बन रहे हो, समाज का दुश्मन बन रहे हो। सबको चाहिए कि वो अपनी ट्रेवल हिस्ट्री हाइड ना करे, सबको बताए कि मैं यहाँ से आया हूँ, और खुद जा करके कहे कि मेरा जो सिम्टम्स है वो ऐसे हैं, आप मेरा टेस्ट कीजिए या स्क्रीनिंग कीजिए, और मैं घर में भी खुद को आइसोलेट कर सकता हूँ। अगर वो ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है बेहतर होगा, क्यों जसलीन? जी बिल्कुल, क्योंकि लगातार हम बात करें जिस तरह लोग जो है देखे जा रहे हैं कि ट्रैवल हिस्ट्री अपनी नहीं बता रहे, और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है लगातार यही रिक्वेस्ट कर रही है कि ट्रैवल हिस्ट्री छुपाकर वो ना सिर्फ अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं बल्कि अपनों की जान भी डाल रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग जो है अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को बताएं। तो विनोद जी, आपकी तरफ से लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा इसको लेकर? देखिए, मैंने क्या मैसेज देने है, मैसेज तो प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़ के दिया था, आपके आपके साथ विनम्र प्रार्थना है, उन्होंने कहा, विनम्र आग्रह है आपसे कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें, आप लॉकडाउन को फॉलो करें। तीसरी बड़ी बात यह है कि आप ट्रेवल हिस्ट्री हाइड ना करें, उसको छुपाए ना। तो ये तीन मैसेज हमें सबको समझना चाहिए कि अपने लिए ये सब अपने लिए जरूरी है, अपनी जिंदगी के लिए जरूरी है। अपनी जिंदगी बचाओगे तो अपने परिवार की जिंदगी बचाओगे, परिवार की जिंदगी बचाओगे तो बिना घर में बैठे कोई बंदूक तोप लिए बिना आप देश की सेवा कर रहे हो। तो मुझे लगता है इससे बड़ा मैसेज, प्रधानमंत्री से बड़ा मैसेज कौन दे सकता है? तो मुझे लगता है कि कोई ये चाहिए कि इस चीज को सीरियस लेना चाहिए, सिंसियर लेना चाहिए, सीरियस लेना चाहिए, ताकि लोगों को ये पता चले कि अगर हम ये गलती करते हैं, ये गलती कश्मीर में हुई थी, कश्मीर में बड़े सारे आंकड़े हैं, और अब जम्मू में भी ऐसा हो रहा है, ये अनफॉर्चुनेट है हमारे लिए भी कि जम्मू के लोगों को भी चाहिए, कश्मीर के लोगों को भी चाहिए कि ऐसी इस तरह की कोई ट्रेवल हिस्ट्री होती है तो मुझे लगता है कि वो डिस्क्लोज करनी चाहिए, और डिस्क्लोज करके आप देश का भला कर रहे हो। बिल्कुल विनोद जी, वहीं अगर बात करें लगातार जो लोग बाहर फंसे हुए थे उनको वापस लाने की जो कवायद है वो भी शुरू हो चुकी है। तो क्योंकि लगातार हम बात करें लेबर्स हों या स्टूडेंट्स हों, जो लोग इस वक्त बाहर फंसे हुए थे, और जिस तरह थोड़ी देर पहले रोहित कंसल जी ने भी ट्वीट करके बताया कि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें जो है वापस लाया गया और जिन्हें अभी भी लाना बाकी है, तो उनको लेकर क्या मैसेज है? क्योंकि कई बार हमारे पोर्टल पर जो है बहुत सारी वीडियोज सामने आती हैं जो लोग इस वक्त बाहर फंसे हुए हैं, तो उनको यही कहा जा रहा है कि पेशेंस रखें, वापस लाया जाएगा। हाँ बिल्कुल जसलीन, उनको संयम बरतना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए उनको, एटलीस्ट जिस भी वो स्टेट में है वहां उनको खाने को मिल रहा है, क्योंकि मैं अपनी स्टेट को देख करके ना उस परस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ कि बाकी स्टेट में भी ऐसा हमारी स्टेट है,
जो बाहर से आए हुए लेबरर्स हैं उनको यहाँ पूरा खाना मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, सारी सहूलतें मिल रही हैं। इवन इतने महंगे यहाँ पे हम मास्क भी दे रहे जी हैं, लोग दे रहे हैं, एनजीओ दे रहे हैं, पुलिस वाले दे रहे हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट दे रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन दे रहा है, और साथ साथ में सैनिटाइजर भी उनको दे रहा है, खाने पीने की सारी चीजें, ड्राई राशन भी दे रहा है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा संयम बरतेंगे तो ये देश के लिए देशभक्ति होगी इन लोगों की। और मैं बार बार ये कहूंगा कि लोग अपना सारा परिचय दें, प्योर अपनी सारी डेफिनेशन दे कि हम कहाँ कहाँ से आए हैं, क्या कहाँ काम करते थे, उतने वहां पे कितने लोग रहते थे। तो उससे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस COVID-19 से हम निपट सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे चैनल हेड विनोद कुमार जी हमारे साथ थे, और जिस तरह उन्होंने भी बताया कि दो नए पॉजिटिव केसेस जो हैं जम्मू से सामने आए हैं, कि अभी तक इसकी जो है ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है, पर अकॉर्डिंग टू हमारे सोर्सेज के मुताबिक जो है हमारे आपको बता कि एक वहीं बात करें तो महिला 50, और वहीं अगर बात करें जो कि एक जो है मीरा साहिब के रहने वाले जो 28 ईयर्स ओल्ड है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आ रही है कि जम्मू से जो है दो पॉजिटिव केस सामने, वहीं अगर हम कल भी बात करें तो कल सामने आया था जो है दो नए पॉजिटिव जम्मू से सामने आए, जो कि एक घुड़ा बख्शी नगर से बताया जा रहा है और दूसरा अगर बात करें तो मीरा साहिब से। गुड़ा बख्शी नगर से वो एक महिला है जो कि 55 ईयर्स ओल्ड है, वहीं अगर मीरा साहिब की बात करें तो 28 ईयर्स ओल्ड का एक पॉजिटिव 19 पाया गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर जो जम्मू से सामने आ रही है कि दो नए पॉजिटिव केसेस जो हैं जम्मू से सामने, और लगातार हम इसी बात पर कि लगातार अगर हम इस तरह COVID-19 और सबने कहीं ना कहीं एक राहत की सांस ली थी कि अब जो है जम्मू जो है COVID-19 फ्री हो चुका है, पर वहीं बात करें अब जो है लगातार कल भी बात करें तो एक केस जम्मू से सामने आया था और आज फिर बात करें तो आया था। तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पर एक चिंताजनक माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है, पर उसी के साथ हमें ये बात समझनी होगी कि अभी भी हमें अपने घरों तक रहना है, बाहर नहीं निकलना, क्योंकि लगातार हमने पहले भी देखा लगातार जो है आंकड़ा, अगर आज की बात कर लें तो टोटल 15 केसेस जो है सामने आए थे, कश्मीर से आए थे और एक जो है उधमपुर से सामने आया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो लोग हैं इस चीज को जो है सीरियसली लें और घर से बाहर ना निकले, क्योंकि लगातार आंकड़ा अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस चीज को सीरियसली लें और घर से बाहर ना निकले। वहीं अगर हम बात करें कि यहाँ पर एक और बड़ी खबर सामने आ रही थी जहां पर महबूब मुफ्ती की, तो महबूबा मुफ्ती और पीएसए ऑफ सागर मधानी जो है उनका एक्सटेंड जो पीडीए पीएसए था वो जो है एक्सटेंड कर दिया गया। हम आपको बता रहे हैं कि अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू में दो नए पॉजिटिव, अगर हम बात करें महबूबा मुफ्ती की जो डिटेंशन है वो अंडर पीएसए वो एक्सटेंड कर दी गई है 3 मंथ्स के लिए। वहीं पीएसए ऑफ सागर मदानी की भी जो है एक्सटेंड कर दी गई है 3 मंथ्स के लिए। तो ये इस वक्त की दो बड़ी अपडेट्स थे जो लेकर मैं हाजिर हुई कि एक तो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती की जो डिटेंशन है अंडर पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है एक्सटेंड कर दिया गया है 3 महीने के लिए, और उसी के साथ जो है अली मोहम्मद सागर की बात करें तो उन्हें भी जो है उनकी भी जो है पीएसए जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है 3 मंथ्स के लिए। तो सबसे बड़ी खबर इस वक्त की जो सामने आ रही है जम्मू से कि तीन नए पॉजिटिव केसेस जो हैं जम्मू से सामने आए, एक बताया जा रहा है कि बख्शी नगर से सामने आए, वहीं अगर दूसरी बात करें तो दूसरा जो है कि मीरा साहिब से जो है सामने ये खबर आ रही है। तो फिलहाल के लिए दीजिए